शाहरुख खान एक बार फिर से सिनेमाघरों में नए अंदाज में आ चुके हैं और इस बार उनकी जो जवान मूवी है वो बिल्कुल एक एक्शन मसाला रोमांस थ्रिलर जिसमें भी आपको कहा जाए उस मूवी को वो उस जॉनर की मूवी बन सकती है। और जिस तरह का धमाका उन्होंने किया है वो एक इतने बड़े लेवल पर किया है कि बॉलीवुड में उस लेवल पर किसी के लिए सोच पाना भी नामुमकिन है। और ये पॉसिबल कैसे हो पाया? इटली की मदद। तो चलिए शुरू करते हैं शाहरुख खान की इस मूवी का रिव्यू। और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे हमारा मोटिवेशन जो है लगातार बढ़ता रहे और हम आपके सामने एक नई से नई वीडियो लेकर आ सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जवान मूवी को देखने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि मुझे क्यों जवान देखनी चाहिए, तो जवान मूवी आपको एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बनता हुआ दिखाई देगी जिस सिस्टम में आप रह रहे हैं। और उस मूवी में किस तरह से धांधलेबाजी होते हुए दिखाई गई है जो हमारे सिस्टम में लगातार हो रही है आज के टाइम में भी। कहीं ना कहीं ये मूवी आपको उस तरह से कहानी इमोशनली आपको जोड़ देती है जो आप अपनी रियल लाइफ जिंदगी में रिलेट करोगे कि ये मेरे साथ में हो रहा है और बाकियों के साथ भी हो रहा है। तो इस मूवी को सिर्फ एक्शन थ्रिलर या बाकी रोमांस के लिए देखने मत जाओ। ये जिस तरह का एक सोशल मैसेज शाहरुख खान इस बार नया लेकर आए हैं ये उसके लिए बहुत ज़्यादा ही खास है और ये अपने आप में एक बड़ी मूवी बनने वाली है। मूवी के शुरुआत में ही शाहरुख खान इसमें खून से लथपथ आपको दिखाई देते हैं और उस सीन को देखने के बाद आप समझ सकते हो कि मूवी किस लेवल पर जाने वाली है और किस लेवल तक जाती है। इस मूवी के अंदर आपको एक से बढ़कर एक जो एक्शन सीन मिलेंगे और उन एक्शन सीक्वेंस में भी जो स्लोमो आपको देखने को मिलेगा वो आपने बॉलीवुड में आज तक देखा ही नहीं होगा। 2011 में शाहरुख खान की मूवी रावण आई थी, जिस तरह का VFX उसमें इस्तेमाल किया गया था और जो आजकल किया जा रहा है उस लेवल पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि शाहरुख खान उस टाइम पर कहाँ जो कितने यंग जनरेशन के बारे में सोच रहे थे और कहाँ अपनी मूवियों को किस लेवल पर लेकर जा रहे थे। और वहीं आज शाहरुख खान जिस तरह से साउथ इंडस्ट्री को बॉलीवुड में लेकर आ गए और जो मास सिनेमा साउथ और बॉलीवुड वाले मिलकर बना रहे हैं दोनों एक साथ, उसे देखकर दर्शक जो है पागल हो चुके हैं बिल्कुल। हमने KGF, पुष्पा और RRR जैसी मूवी क्यों पसंद की? क्योंकि हमें उसमें स्टोरी से लेकर और एक्शन इतना धमाकेदार और इतना ज़बरदस्त देखने को मिला कि सब उसके फैन हो गए। लेकिन शाहरुख खान क्यों पीछे रह जाते इस काम में? उन्होंने बॉलीवुड को ही साउथ में ले लिया और साउथ को बॉलीवुड में ले लिया और जिस तरह का उसमें काम चल रहा है दोनों का मिलकर, ऐसा लग रहा है कि ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है इस टाइम। किसी भी मूवी के क्लाइमैक्स को देखने के बाद में आपको जैसा फील होता है ना, कोई भी मूवी आपने देखी होगी बेस्ट आज तक, उसका जो क्लाइमैक्स सीन देखकर आपको जो रोमांच और जो आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे कि मूवी का क्या इसमें क्लाइमैक्स है और क्या मज़ा आ गया भाई मूवी देखकर। लास्ट इंटरवेल के 4 से 5 मिनट जो आप देखोगे ना, देखने के बाद पागल हो जाओगे, सोचोगे कि ये इंटरवेल क्यों कर दिया इसने। और शाहरुख खान के जितने भी रोल आपको मूवी में देखने को मिलेंगे, एक के बाद में एक नया कैरेक्टर इस्टेब्लिश होता जाता है और एक दो कैमियो आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा कि हाँ ये क्या जबरदस्त कमाल करवा दिया शाहरुख खान। फिल्म में विजय सेतुपति जब आते हैं उनकी एंट्री थोड़ी लेट है लेकिन ज़बरदस्त है। उन्होंने साबित कर दिया है कि भले ही आपका टाइम ड्यूरेशन कम हो स्क्रीन पर, लेकिन जो डायलॉग बाजी उन्होंने की है और बोलने का उनका अंदाज वो बिल्कुल ही अलग है। कुल मिलाकर फिल्म की कहानी आपको जोड़े रखती है, 2 घंटा 50 मिनट आपको कुर्सी से बांध कर रखने की ये हिम्मत रखती है मूवी कि आपको कुर्सी से ना उठने दे, क्योंकि जिस तरह से इसमें एक्शन और बाकी रोमांस सॉन्ग सब कुछ आता रहता है, आप कुर्सी से बैठते हुए अपनी तालियों को नहीं रोक पाओगे और ज़बरदस्त आपको मूवी में हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी जो एक सिनेमा प्रेमी सिनेमा में जाकर इंजॉय करना चाहता है, वो इस मूवी में सब कुछ है। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ इसमें कमियाँ तो हर चीज़ में ही रह जाती है, वो इसमें भी कमी है। कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ और इसका क्लाइमैक्स वो आपको लगेगा कि हाँ इंटरवेल के मुकाबले वो थोड़ा सा आपको वीक लग सकता है इस मूवी का क्लाइमैक्स। कुल मिलाकर मूवी अच्छी है और ज़रूर देखनी चाहिए आप सभी को। अगर शाहरुख खान के फ़ैन हैं तो अभी चले जाइए, नहीं तो संडे तो है ही आपके लिए, इस नहीं तो अगले संडे में आपको सीट ज़रूर ही मिल जाएंगी क्योंकि अभी तो हाउसफुल होने वाले हैं। एडवांस बुकिंग इसकी ज़बरदस्त हो चुकी है और कमाई के ये सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। सभी हीरो और हीरोइंस ने इसमें बहुत ही अच्छा काम किया है, विजय सेतुपति ने भी कमाल का काम किया है और इटली की तो क्या ही बात की जाए, उन्होंने ज़बरदस्त डायरेक्शन किया है इस मूवी का। और अनिरुद्ध का म्यूजिक अगर नहीं होता तो मूवी इतना कमाल नहीं कर पाती, क्योंकि जितने भी एक्शन सीक्वेंस आपको देखने के मिलेंगे उसके बैकग्राउंड में उसका म्यूजिक उतना ही ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगा।
जिस तरह की ये मूवी है और जिस तरह का बाकी सब ने काम किया है उस हिसाब से इस मूवी को हर कोई बड़ी से बड़ी रेटिंग दे रहा है। 5 में से ये मूवी डिजर्व करती है, 4 स्टार तो डिजर्व करती ही है। बाकी आप अगर शाहरुख खान के फैन है तो ये 5 भी आपके लिए कम है। जवान तो आप लोग देखोगे ही, ऐसे तो आप रुकोगे नहीं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।